अर्चना शर्मा जी हमारे साथ इस समय मौजूद है। मैम, जो इस समय जो रुझान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम वादे और दावे खोखले साबित होते हैं, इन रुझानों के हिसाब से दिखाई दे। देखिए, रुझान जो दिखाई दे रहे उससे पता चल रहा है कि जनता ने वास्तविकता में चुनाव लड़ा इस बार, और ऐसी ताकतों को हराने का काम करने जा रही है जिन्होंने देश के में विभाजन की नीति को अपनाया, धर्म के आधार पर सियासत के मूल मुद्दों को बांट रखा। तो देखिए, जब पूरे नतीजे आएंगे तो बहुत सुखद परिणाम होगा इंडिया अलायंस के पक्ष। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो इस समय कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, कांटे की टक्कर है, और आप देखिए कि जिन सीट्स पे हम पीछे वहाँ भी मार्जिन बहुत कम है। तो अभी तो फाइनल टैली आएगी तो मुझे लगता है राजस्थान में हम लोग इनसे ज्यादा सीटें लेकर के आए। यदि हमारे साथ अर्चना शर्मा जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि फाइनल टैली आने तक इंतजार कीजिए, और जब फाइनल टैली आएगी तो कहीं ना कहीं भाजपा से हम आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।